एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेज़न से मंगवाए हुए हैं, बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ अलग ही तरीके के प्रोडक्ट। एंड इनमें से एक आध प्रोडक्ट ऐसा है जो शार्क टैंक इंडिया में आया था। ट्यूबर इज अ यूट्यूब चैनल, बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं। मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल है जिनको हम बहुत डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उनको मोस्टली रिव्यू करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसी तरीके का एक वीडियो उन्होंने बनाया था शैम्पू रिलेटेड, एंड मैंने काफी पहले देखा था और तब से मैं सोच रही थी कि मैं ट्राई करूंगी। ये फिर क्वेश्चन आया कि यार इनमें से सबसे बेस्ट शैम्पू कौन सा है, ये हमको कैसे पता चलेगा हर्बल शैम्पू, क्योंकि जो अब तक मैंने 2-3 यूज कर रखे उससे मैं इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था रेकमेंडेशंस, तो उस रेकमेंडेशंस में कुछ शैम्पू आए, एंड फिर तब मैंने ये फिट्यूबर का जो वीडियो है वो देखा था और उसके नीचे उन्होंने कुछ लिंक्स दिए थे कुछ शैम्पूस के, तो मैंने वो शैम्पू मंगवा करके रखे हैं, यूज करे हैं, ट्राई करे हैं सबको, उसके बाद मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। ये मैं अपनी तरफ से आपको रिव्यू एड ऑन करने वाली हूँ। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, ये है हविंता ब्रांड का नेचुरल हेयर शैम्पू, आंवला रीठा शिकाकाई मेथी दाना पाउडर इसमें मिला हुआ है। सो ऐसे मैंने 2 पैकेट्स मंगवा करके रखे हैं, एक मैं यूज कर चुकी हूँ। तो इसको आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो, आप इसको हेयर पैक बना करके अपने बालों में लगा करके भी यूज कर सकते हो, एंड आप नॉर्मली इसको एज अ शैम्पू की तरह भी यूज कर सकते हो। तो इसको आपको रात भर या तो गर्म पानी में एंड या तो फिर आपको 30 मिनट्स यूज करने से पहले सोक करना होता है। तो मैंने इसको रात भर सोक करके रखा था, एंड फिर नेक्स्ट डे आपको इसको रिंस करना होता है, मतलब शैम्पू यूज करना होता है। डेफिनेटली ये लैदर नहीं करता है, तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगा, बट मुझे ये थोड़ा सा अपने बालों में ड्राइनेस दे रहा था। और अगर आप वर्किंग वुमेन है तो डेफिनेटली आपको ये थोड़ा सा हैजल लगेगा कि आपको रात में भिगोना है या 30 मिनट पहले भिगोना है। समटाइम्स ऐसा होता है हम जल्दी में होते हैं, हमको आज शैम्पू करना है, तो इतना टाइम नहीं रहता कि आप ये सब मेथड कर सको। फिर मैंने इसको सेकंड यूज करा दही मिला करके, और जब दही मिला करके मैंने इसको लगाया तो ये मेरे बालों में ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिया एज कम्पेयर टू जो मैंने शैम्पू की तरह यूज किया। तो इसको मैं एज अ मास्क, हेयर मास्क की तरह अपने पास रखूंगी, जब भी मुझे अपने बालों को कंडीशनर करना होगा आई विल डेफिनेटली गोइंग टू यूज दिस। वर्क डेफिनेटली करता है, बट मुझे ऐसा लगा कि ये हेयर पैक की तरह ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा एज कम्पेयर टू हेयर शैम्पू। नाउ कमिंग टू माई सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस सोप बार। तो इसको बोलते हैं गोली सोडा, ऑल नेचुरल प्रोबायोटिक शैम्पू बार फॉर ड्राई हेयर। तो मैंने 2 बार ही यूज किया है। कमिंग टू इट्स फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस एकदम टिपिकल जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो यूज करने का मन नहीं करेगा, बट वेन इट कम्स टू थोड़ा शैम्पू करने के, जब इसको मैंने यूज किया अपने बालों में, इसका लैदर बनाया तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से इसने लैदर बनाया मेरे बालों में। बट अगेन मैं बोलूंगी इसने हल्का सा मुझे ड्राइनेस दिया, हालांकि दिस इज फॉर ड्राई हेयर, नॉर्मल हेयर एंड इनके लिए सबके लिए अलग अलग है ये सारे जो भी शैम्पू। ये मैं रिव्यू आपको तब कर रही हूँ जब मैंने इनको बिना कंडीशनर के यूज किया है और कंडीशनर के साथ भी यूज करके देखा, तो कंडीशनर के साथ डेफिनेटली अच्छे से वर्क कर रहा था, बट ये बिना कंडीशनर के थोड़ी आपके बालों को रफनेस देता है। सेकेंड डे आपके बाल डेफिनेटली बहुत अच्छे हो जाएंगे, बट जिस दिन आप शैम्पू करोगे उस दिन आपके बाल थोड़े फ्रीजी से मुझे लग रहे थे। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट शैम्पू बार, ये है अर्थ रिदम का फॉर फ्लेकी एंड इची स्कैल्प। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ये ऑलमोस्ट ऐसे मिंटी टाइप का फ्रेग्रेंस आता है, लगता है कि किसी के बालों को ये अच्छा लगा हो, किसी के बालों पे सूट हुआ हो। मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये एकदम नेचुरल एंड हर्बल फीलिंग भी नहीं दे रहा था यूज करते टाइम, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल सी भी मुझे लग रही थी, आई डोंट नो। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं वो है ये खादी के नेचुरल सोप। पहले भी यूज कर चुकी हूँ, इनके साथ में कोलैबोरेट भी कर चुकी हूँ, और पर्सनली भी मुझे इनके सोप काफी ज्यादा पसंद है। ये 6 का सेट आया था, एक जो पिंक कलर का है रोज वाला वेरिएंट वो अभी मैं यूज कर रही हूँ, इनमें से आधे 3 जो है मैं भोपाल लेके जाने वाली हूँ अपने लिए, तो आई एम यूजिंग दीज। अमेजिंग है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, माइल्ड है एकदम। खादी के शैम्पू भी मुझे कुछ लोगों ने रेकमेंड करे थे, बट खादी के सारे ऑलमोस्ट हेयर शैम्पू मैं यूज कर चुकी हूँ और मेरे को सारे शैम्पू बालों में ड्राइनेस दे देते हैं। एंड नेक्स्ट एंड माई फेवरेट प्रोडक्ट के ऊपर, तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों से पूछा था शैम्पू के बारे में, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने मोस्ट रेटेड प्रोडक्ट या सबसे ज्यादा किसी ने बताया था मुझे वो था ये अवीमी हर्बल के बारे में। डेफिनेटली फ्रेग्रेंस लेस बोलूंगी मैं इसमें, बहुत अजीब सी शिकाकाई की फ्रेग्रेंस आती है इसके अंदर। एंड फर्स्ट डे जब मैंने यूज किया तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे बालों में जो केमिकल वाला शैम्पू मैं यूज करती हूँ उसके रेसिड्यूज हो, दैट्स वाई ये इतना अच्छा वर्क कर रहा है। एंड आज भी आई शैम्पूड माई हेयर और आज मैंने कोई भी कंडीशनर अपने बालों में नहीं लगाया है, कोई ब्लो ड्राई नहीं किया है, दिस इज नेचुरल एयर ड्राई हेयर। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने कोई ट्रीटमेंट या केमिकल ट्रीटमेंट करवा रखा है,
जो भी मैंने करवाया था वो सिर्फ 3 months के लिए था, वो सब जा चुका है मेरे बालों से एंड लुक एट द रिजल्ट, अमेजिंग. इतना बढ़िया बाउंस है मेरे बालों में जो कभी नहीं रहता. मेरे बाल यूजुअली काफ़ी जल्दी फ्लैट हो जाते हैं, तो बाउंस बहुत अच्छा है, टेक्स्चर बहुत अच्छा मेरे बालों को हो गया है. डेफिनेटली जो शाइनिंग हम केमिकल्स वाले शैम्पू को यूज़ करते हैं उससे आती है, वैसी अभी नहीं आई है. वो आएगी थोड़े दिनों के बाद, जब मैं यूज़ करने लगूंगी मेरे बालों को भी हैबिट हो जाएगी. बट आई रियली लव 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 दिस वन. इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन और आपको सब ताम झाम नहीं करना है, गेट योर हैंड ऑफ दिस वन. इसका जो प्राइस है वो आता है 650 rupees का. इसको जब मैंने एक बार कंडीशनर के साथ, मामाअर्थ का कर्ड स्मूथनिंग कंडीशनर के साथ मैंने इसको यूज़ किया था, तब भी रिजल्ट इतना जबरदस्त आया था एंड आई लव दिस ब्रांड. डेफिनेटली थम्स अप, मजा आ गया इस ब्रांड को यूज करके. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर. तो अभी मैं अपने फेस को थोड़ा सा, अभी आप देख सकते हो मेरे फेस पे बिल्कुल इतना सा भी कोई मेकअप नहीं है. पास से आके दिखाती हूँ, देर इज नो मेकअप ऑन माई फेस एंड इवन कोई मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाया है मैंने. लिपस्टिक लगा करके रखी हुई है, अभी अपने स्किन को एकदम ब्रेक दे रही हूँ. आप सोचो मैं फेस वॉश भी यूज नहीं कर रही हूँ, इतने भयंकर लेवल का मैंने ब्रेक दे रखा है. सिर्फ मैं जब बाहर निकल रही हूँ धूप में तब मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ, सनस्क्रीन के अलावा मैं कुछ भी नहीं लगा रही, क्योंकि सन इतना ज्यादा खतरनाक है कि सनस्क्रीन तो मैंडेटरी है. तो मैं यूज कर रही हूँ ये सैंडलवुड फेस पाउडर. मुझे फेस पैक चाहिए था, कुछ तो क्लेंस करने के लिए चाहिए रहेगा ना. तो मैं दही के साथ या फिर रोज वाटर के साथ मिक्स करके अपने फेस पे लगा रही हूँ, और समटाइम्स पानी के साथ लगा लेती हूँ, दैट्स इट. और एक मैंने फेस पैक और बनाया हुआ है घर का, वो भी यहाँ नहीं है, भोपाल में है. जब मैं भोपाल जाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर जरूर करूंगी, किसी ना किसी शॉर्ट में शेयर कर दूंगी या यूट्यूब वीडियो में. ट्राई करिएगा उस फेस पैक को भी, आपको अपने फेस पे डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा. माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ये है कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर. तो इस रोज वाटर को यूज करने के बाद आप कोई और रोज वाटर पसंद ही नहीं करोगे. थोड़ा एक्सपेंसिव आता है आई नो, बट मैं पिछले 4 साल से, आई थिंक जब से फर्स्ट टाइम मंगवाया उसके बाद से मैं यही रोज वाटर यूज करती हूँ. तो कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ भी आपने फेस पे नहीं लगाया, आप सिर्फ रोज वाटर को हल्का सा अपने फेस पे स्प्रिंकल कर लीजिए एंड यूर गुड टू गो. योर फेस लुक्स गुड, हाइड्रेटेड भी लगने लगता है थोड़ा. सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.